माध्यमिक परीक्षा 2019 में कुल छात्र जो अपीयर हुए जिन्होंने फॉर्म भरा उनकी संख्या है 16,60,609 16,60,609 और जो परीक्षा में शामिल हुए बच्चे उनकी संख्या है 16,35,070 16,35,070 जो कुल उत्तीर्ण हुए बच्चे उनकी संख्या है 13,20,036 13,20,036 और पास परसेंटेज है 80.73% 80.73% जिसमें छात्र की संख्या है 6,83,990 6,83,990 और छात्राओं की संख्या है 6,36,046 तो इस बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 8 मार्च को इवेल्यूशन का काम प्रारंभ किया था और 29 डेज में ये रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, जो अपने आप में कीर्तिमान है। जिस उपलब्धि के लिए, जिस कीर्तिमान के लिए मैं बीएससीबी के अध्यक्ष को और यहाँ के पदाधिकारियों को और कर्मियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये सभी के लिए बड़ी गौरव की बात है और आज के इस रिजल्ट में जो परीक्षार्थी पास हुए हैं उनको मैं बधाई देता हूँ और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। पिछली बार मैट्रिक का हमने रिजल्ट डिक्लेयर किया था 26 जून को और इस बार यही रिजल्ट हमने 6 अप्रैल को डिक्लेयर कर रहे हैं और बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड भारत का पहला बोर्ड है जिसने इतने कम समय में और सबसे पहले रिजल्ट डिक्लेयर किया। इस उपलब्धि के लिए एक बार पुनः मैं अध्यक्ष महोदय को और उनके अधीनस्थ टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूँगा इस जो टॉपर्स के बारे में अन्य सूचनाएं आपको उपलब्ध करवाएं। जैसा कि अभी आप लोगों को बताया गया कि इस वर्ष वार्षिक मैट्रिक परीक्षा 2019 में कुल पासिंग परसेंटेज है 80.73%। इस वर्ष वार्षिक मैट्रिक परीक्षा का आयोजन 21 फरवरी से 28 फरवरी 2019 के बीच किया गया था और उसके पश्चात 8 मार्च को मूल्यांकन कार्य प्रारंभ हुआ और 8 मार्च को मूल्यांकन प्रारंभ करते हुए आज 6 अप्रैल को परीक्षा फल घोषित किया गया और अप्रैल माह में पहली बार देश में किसी भी स्टेट बोर्ड ने मैट्रिक का परीक्षा फल घोषित किया गया और यह अब तक का सबसे फास्टेस्ट रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग, इन टर्म्स ऑफ स्पीड के मामले में है। अब बिहार में भी निश्चित रूप से यह कीर्तिमान है क्योंकि आज तक इतनी जल्दी परीक्षा फल डिक्लेयर नहीं किया गया था। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं। वर्ष 2017 में ही हम लोगों ने यह लक्ष्य रखा था कि आधुनिक तकनीक और परीक्षा प्रणाली और व्यवस्था के मामले में बिहार बोर्ड को देश के सर्वश्रेष्ठ बोर्ड में बनाना है और इस लक्ष्य की ओर हमारे पदाधिकारी और कर्मी लगातार कई महीनों से प्रयास कर रहे थे और ऐसी कई प्रकार की नई तकनीक और ऐसी कई नई परीक्षा प्रणाली इस वर्ष 2019 में अपनाई गई जिसका सीधा सकारात्मक लाभ बिहार के लाखों विद्यार्थियों को मिला। इस बार पहली बार देश के किसी स्टेट बोर्ड में बार कोड और लिथो कोड के साथ प्री प्रिंटेड कॉपियां छपवाकर सभी विद्यार्थियों के नाम से सभी परीक्षा केंद्रों में भेजी गई। उन परीक्षा की कॉपियों पर सभी विद्यार्थियों का नाम, रोल नंबर से लेकर सभी विवरणियां अंकित होती थी। इसके पूर्व के वर्षों में विद्यार्थियों को 27-28 प्रकार के गोले भरने पड़ते थे, रोल नंबर, रोल कोड, विषय कोड इत्यादि, और यदि विद्यार्थी एक या दो गोले में भी किसी भी यदि मिस्टेक करते थे तो उनका परीक्षा फल त्रुटिपूर्ण या पेंडिंग की श्रेणी में जाता था और उसको सुधार करने के लिए उसकी हार्ड कॉपी मंगानी पड़ती थी या वैकल्पिक अन्य दस्तावेजों के माध्यम से उसको सुधार करना पड़ता था जिसमें काफी समय लगता था। इस बार पहली बार प्री प्रिंटेड कॉपी का इस्तेमाल करते हुए इन सारी प्रणालियों को ऑटोमेटेड किया गया, कंप्यूटराइज किया गया
और इसका सीधा लाभ परीक्षा फल पर पड़ा, न सिर्फ समय के मामले में बल्कि क्वालिटी के मामले में भी। जो त्रुटियां और जो मिस्टेक्स जो विद्यार्थियों के द्वारा किए जाते थे उसके चलते पेंडेंसी की भी संख्या जो हजारों में हुआ करती थी, इस वर्ष वार्षिक मैट्रिक परीक्षा 2019 के परीक्षा फल में मात्र 179 विद्यार्थियों का ही रिजल्ट इनकम्प्लीट या पेंडिंग है, जो कि इसके पहले हर वर्ष में या अमूमन अन्य बोर्डों में भी हजारों की संख्या में यह संख्या रहा करती है। इसके साथ ही पहली बार सभी 173 मूल्यांकन केंद्रों पर कंप्यूटरों की व्यवस्था की गई और कंप्यूटरों के माध्यम से कॉपियों के मार्क्स की सीधे ऑनलाइन एंट्री प्रविष्टि सुनिश्चित की गई चेक और लेकर के माध्यम से। और इसका लाभ यह हुआ कि पहले जहां कॉपियां जचने के बाद स्टूडेंट्स के मार्क्स को अवार्ड शीट या मार्क्स फाइल पर चढ़ाया जाता था और उन अवार्ड शीट्स और मार्क्स फाइल को अलग अलग केंद्रों से समिति कार्यालय में कुछ दिनों और उसके पश्चात उन सबों की स्कैनिंग और रिजल्ट प्रोसेसिंग होता था जिसमें काफी समय लगता था। इस बार जिस दिन कॉपियों की एंट्री हुई उसी दिन उन सभी कॉपियों के मार्क्स की प्रविष्टि कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी 173 केंद्रों पर की गई राज्य के सभी जिलों में और उसका परिणाम यह हुआ कि रिजल्ट प्रोसेसिंग में काफी गति आई और रिजल्ट की गुणवत्ता और शुद्धता भी पहले से काफी बेहतर हुई। इसके साथ ही राज्य के सभी जिलों में बार कोडिंग केंद्रों पर पहली बार इस बार कंप्यूटर के माध्यम से सारे बैंक नंबर्स और अन्य डिटेल्स को फीड कराने की व्यवस्था की गई और इसके लिए जो सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया गया वह बिहार बोर्ड की अपनी आईटी टीम ने स्वतः अपने स्तर से डेवलप किया और उसका सफल प्रयोग इस बार की परीक्षा में किया गया। इस प्रकार की व्यवस्था भी देश के बार कोडिंग केंद्रों पर पहली बार की गई। बहुत अन्य कई प्रकार के नए फॉर्मेट्स कंप्यूटराइज फॉर्मेट्स इस बार हम लोगों ने विकसित किए। कई कारण है, एक तो प्रश्न पत्रों में जो पहली बार बिहार बोर्ड ने पूरे देश में यह प्रयोग किया था कि सभी विषयों में 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किए गए थे और इस वर्ष उससे और आगे बढ़ते हुए जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस में भी ऑप्शंस की संख्या बढ़ाई गई थी। पहले से बढ़ाकर 75% तक ऑप्शंस दिए गए थे सभी विषयों में और जो लॉन्ग क्वेश्चंस थे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में भी ऑप्शंस जो पहले हुआ करते थे जिसमें आंतरिक विकल्प हुआ करते थे उसको समाप्त करते हुए 100% वाय विकल्प दिए गए और इन सबका यह परिणाम हुआ कि पासिंग परसेंटेज में वृद्धि हुई। इसके साथ ही प्रश्न पत्रों में जो क्वेश्चंस थे उनके पैटर्न को पहले से अधिक स्कोरिंग और बेहतर बनाया गया और सभी क्वेश्चंस के स्टेप वाइज मार्किंग करने का निर्देश भी सभी मूल्यांकन केंद्र के निदेशकों और परीक्षकों को दिया गया। हम लोगों ने कई प्रकार की कार्यशालाएं पटना में आयोजित की और उन कार्यशालाओं के बाद सभी जिलों में भी अलग अलग मूल्यांकन से संबंधित कार्यशालाएं आयोजित की। सभी जिलों में शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया और इन सबका परिणाम यह रहा कि इस बार स्टेप वाइज मार्किंग होते हुए पहले से मूल्यांकन पद्धति को और भी अधिक बेहतर बनाया गया। सभी जिलों में बिहार में पहली बार 4 मॉडल केंद्र बनाने की व्यवस्था की शुरुआत गत वर्ष की गई थी, उसे इस वर्ष भी सभी जिलों में लागू किया गया और ऐसा करने वाला बिहार बोर्ड देश का पहला बोर्ड बना। इस प्रकार के सभी व्यवस्थाओं को करने से इस बार के परिणाम में काफ़ी बेहतरी हुई है। जो पहले कॉपियाँ जब बारकोडेड नहीं होती थी तो 90% से अधिक जो भी कॉपियों में अंक होते थे उनको बिहार बोर्ड मंगाकर उसकी समीक्षा की जाती थी, क्योंकि पहले कॉपियों पर स्टूडेंट्स की पहचान अंकित होती थी, रोल नंबर रोल कोड इत्यादि अंकित होता था। अब जब कॉपियों की बारकोडिंग हमने प्रारंभ की है तो इस व्यवस्था को समाप्त करते हुए इस 90% से अधिक अंक वाली कॉपियों को भी मुख्यालय मंगाने की व्यवस्था को समाप्त किया गया और मूल्यांकन की प्रक्रिया को पहले से बेहतर बनाया गया। जो टॉपर्स बिहार बोर्ड में